जीन में फूटा किसानों का गुस्सा। बारिश के कारण बर्बाद हुई धान की फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों के सब्र का बांध फूट गया है। उन्होंने सोमवार को मढ़ीन तहसील मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं जल्द मुआवजा देने और बीमा करने वाली रिलायंस कंपनी की जांच करने की भी मांग उठाई है। किसान नेता शिवदेव सिंह ने कहा है कि किसानों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस बार बारिश में धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई सुध लेने नहीं आया है और बर्बाद फसल का जल्द मुआवजा मिले इसके लिए प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन को चताया जा रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता धर्मपाल कुंडल ने भी कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। एक ओर आय दुगनी करने का वादा कर रही है और दूसरी ओर बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं दे रही है। पिछले 3 साल तक रिलायंस बीमा कंपनी ने किसानों के खातों से नियमित रूप से किश्तें काटी हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।